ये लड़की देखकर चुमान में लिए। चल करते हैं मैं। और जी क्या हाल चाल? अच्छा। क्या नाम है तेरा? किरण। किरण का क्या मतलब होता है? किरण मतलब रोशनी। रोशनी मतलब? रोशनी मतलब प्रकाश। प्रकाश चंद नाम है तेरा? अच्छा देख, मैं तेरे को पहले क्लियर बता दूं, मैं दुआएं नहीं कर सकती बाहर जाओ। क्यों? फैमिली बिजनेस है जी अपना घर पे। अच्छा। इस गाय है अपने पास, 18 पैसे है, चौखा गांव है जी अपना, पैसों की तो कोई कमी नहीं है, गाड़ी रखी 4 घर पे हम तो फिर क्या जरूरत है जॉब करने की? पैसों के लिए करते ना जॉब, पैसे बथेरे अपने पास। चलो छोड़ो, और बताओ क्या खाना खुना भी आता है कुछ बनाना? हाँ बना लेती हूँ। क्या बना लेती हो? सब कुछ। सब कुछ क्या मतलब? दाल रोटी सब्जी। लखेती लगे भाई लड़की तो। बस इतना मतलब जो भी घर पे बनता है वो बना लेती हूँ। मतलब जो भी क्या मतलब, कुछ तो बताओ कुछ इसके अलावा। ऐसे दाल रोटी सब्जी थोड़ी खानी हो तो मेरा चिंटू भी बना दे घर पे। चिंटू मारा ना किया होगा इसके अलावा। बहुत हो गया, इसका तो मजा अच्छा खाना ही पड़ेगा। लोगों के ढाबे बंद हो जाने आपके चक्कर में हमारे शायद। तो फिर लड़की तो टैलेंटेड लग रही भाई बहुत, इसको तो बड़ा अच्छा। अच्छा जी अच्छा, बढ़िया जी बढ़िया। सिलाई बुनाई आती है जी? नहीं। सुबह जल्दी उठ जाते हो? नहीं। घास काट लेते हो? नहीं। बोझे उठा लेते हो? नहीं। कपड़े धो लेते हो? नहीं। बर्तन? नहीं। माँ बाप की सरसों का? इडियट कहीं के पीछे आधे घंटे से मेरा दिमाग खराब करी जा रहे हो तुम फालतू के क्वेश्चन पूछ पूछ के। पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ और तुम खोके चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हो। कोई भी ढंग का क्वेश्चन पूछा तुमने अभी तक मेरे से जिसमें शादी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? तुमने पूछा मेरे से कि मेरी शादी को लेकर क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी शादी से? जो चीजें मैं एक बार बता चुकी हूँ वही बार बार रिपीट करके पूछी जा रहे हो, घुमा फिरा के पूछी जा रहे हो, जिसका कोई मतलब नहीं है। एक बार मैं बता चुकी हूँ कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, फिर बार बार पूछने का क्या मतलब है? तुम्हें पता है कि लड़की की शादी से क्या उम्मीदें होती है? एक लड़की की तुम्हारी नजर में सिर्फ पहले पैसा कमाना तभी जॉब करनी है। लड़की के भी कोई अपने सपने हो सकते हैं बचपन से, उसने भी कुछ लाइफ में अचीव करना है। वो कोई तुम्हारे गाय भैंस नहीं की जिसको तुम घर में बांध दोगे, या कोई नौकरानी नहीं है वो। तुम जैसे लोगों की समझ में नहीं आता है कि लड़की भी अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकती है। तुम बस अपने मुझ पे थोकते जा रहे हो तुम्हें क्या चाहिए। तुमने मुझसे ये बिल्कुल नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, मतलब जो तुम बोलोगे वो मैं करते जाऊंगी। क्या मतलब है इस चीज का? मैं कोई जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ यहाँ पे कि मुझे क्या आता क्या नहीं आता? दो लोगों की शादी से पहले सिर्फ ये बहुत जरूरी है कि हम दोनों की सोच कितनी मिलती है, ना कि ये जरूरी है कि मुझे क्या आता है और क्या मुझे नहीं आता। मैंने तुमसे पूछा एक बार कि तुम्हें क्या आता है या तुम्हें क्या नहीं आता? दो लोगों में अंडरस्टैंडिंग होना और उनका नेचर एक दूसरे साथ मैच होना, ये चीजें मायने रखती है, ना कि ये चीजें मैं सर पे कितना खाती हूँ या मैं बर्तन कितने जल्दी धोती हूँ। वो तो कोई भी कर लेगा जरूरत के हिसाब से। तुम बना के लेके आना चाहिए था फिर तो मुझे खुद का, कि मुझे बर्तन इतनी देर में धो लेती हूँ, कपड़े इतनी देर में धो लेती हूँ, घास इतनी देर में काट लेती हूँ। ये क्या मतलब है? मजाक चल रहा है कोई यहाँ पे? जिंदगी का फैसला होने वाला है यहाँ, तुम्हारी नजर में है मजाक?
कि हाँ अगर तुम्हारे चार शर्तें मान ली तो तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे, और अगर मुझे वो सब नहीं आता तो तुम मुझे रिजेक्ट करो। तुम हो कौन मुझे रिजेक्ट करने वाले? तुम्हें खुद क्या आता है? तुम्हें बैठने की खड़े होने की तमीज नहीं है? और काम तो तुम छोड़ो, और जो तुम गिना रहे हो पैसा गाड़ी है, तुम्हें बात करने की सेंस नहीं है कि लड़की से किस तरह बात करते हैं? तुम क्या मुझे रिजेक्ट करोगे? तुम्हारे जैसे लड़के के साथ तो मैं एक घंटा बात करना पसंद ना करूँ, जिंदगी बिताना तो दूर की बात है। मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ, और अब जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अब